नमस्कार, मनोदेल्सरा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अपना टॉपिक है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की परिभाषाओं को हम पढ़ेंगे। ट्रिक से मैं आपको बताऊंगी तो आपके आपके व्यक्तित्व की परिभाषाएं याद रह जाएं। व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है उनको भी मैं ट्रिक से आपको बताऊंगी। उसके बाद में व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्यक्तित्व। जो ये व्यक्तित्व शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी से बना है, और जो पर्सनैलिटी शब्द है वो यूनानी भाषा के परसोना से बना हुआ है, और परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। ये तो हो गया व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व जो शब्द है उसके बारे में कि व्यक्तित्व शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी से बना है, पर्सनैलिटी जो शब्द है वो यूनानी भाषा के परसोना से बना है, और परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। अब इसकी परिभाषाएँ मैं आपको बताती हूँ। पहली परिभाषा गिलफोर्ड। गिलफोर्ड जैसे कि अब जो लेटेस्ट फोर्ड की जो मॉडल की जो कार आई है उसमें क्या मिलाया गया है, जितने भी कार्स के पुरानी कारों के डिजाइन हैं उनको समन्वित रूप से प्रस्तुत किया गया है, फिर न्यू फोर्ड आई है। तो इसमें क्या है, व्यक्तिगत गुणों का समन्वित रूप ही क्या है, व्यक्तित्व है। ये बताया गया है कि व्यक्तित्व क्या है, गुणों का समन्वित रूप है। तो ये किसने बताया, गिलफोर्ड ने। ऐसे याद कर लेना कि जो फोर्ड गाड़ी है वो क्या है, समन्वित रूप है। तो गिलफोर्ड ने क्या बताया है, गुणों का समन्वित रूप ही क्या है, व्यक्तित्व है। फिर नेक्स्ट आता है वुडवर्थ। वुड को क्या बोलते हैं हिंदी में, लकड़ी। लकड़ी के क्या होती है, एक खुद की विशेषता होती है कि वह कठोर होती है, उससे कुछ विशेष प्रकार की हम वस्तुएं बना सकते हैं अपने काम में आने वाली। तो व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही क्या है, व्यक्तित्व है। ये बताया गया है कि व्यवहार की एक समग्र विशेषता है वो ही क्या है, व्यक्तित्व है, वुडवर्थ के अनुसार। तो गिलफोर्ड समन्वित गुणों का समन्वित रूप, तो समन्वित रूप गिलफोर्ड। वुडवर्थ ने क्या बताया है कि व्यक्तित्व क्या है, व्यवहार की एक समग्र विशेषता। तो विशेषता ये है, तो लकड़ी की क्या होती है, विशेषता होती है। तो वुडवर्थ ने समन्वित रूप क्या है, फोर्ड है। मार्टन ने क्या कहा है, मार्टन ऐसे याद रखना, मार्टन यानी कि जन्म और मृत्यु से संबंधित है। तो जन्मजात जहाँ पे नाम आ रहा है वहाँ उस वो परिभाषा किसने दिया, मार्टन ने दिए। परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या है मार्टन के अनुसार, कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं और इच्छाओं का क्या है, समुदाय। ये परिभाषा दी है मार्टन ने। गिलफोर्ड की याद हो गई आपको कि गुणों का समन्वित रूप ही क्या है, गिलफोर्ड ने बताया कि व्यक्तित्व है। वुडवर्थ ने क्या बताया है कि व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही क्या है, व्यक्तित्व है। मार्टन के अनुसार व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियां, भावनाएं और इच्छाओं का समुदाय क्या है, व्यक्तित्व है। अब एक परिभाषा और आती है बिग एव हंट। ये दो मनोवैज्ञानिक है, बिग एव हंट। कोई व्यक्ति है वो कहाँ जाता है, घूमने जाता है। तो घूमने जहाँ पे गया वहाँ पे क्या है, बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, वहाँ पे शिकारी हैं। तो शिकारी से अपने आप को वो क्या करता है, बचा लेता है। बिग हंटर से अपने आप को बचा लेता है, और वो उस एरिया के प्रति क्या हो जाता है, समायोजित आ जाता है। समायोजन होने का ये अर्थ है कि आप उसमें घुल मिल गए। तो बिग एव हंट ने क्या बताया कि व्यक्ति व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्तित्व के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। तो सामाजिक समायोजन, समायोजन का अर्थ आ गया, तो आप ऐसे ध्यान रख लेना बिग हंट। तो दोबारा बताती हूँ आपको परिभाषाएं। गिलफोर्ड ने क्या बताया है, समन्वित रूप। वुडवर्थ ने एक समग्र विशेषता है व्यवहार की। मॉर्टन ने क्या कहा, जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव है। बिग हंट ने क्या किया, सामाजिक समायोजन। अब हम व्यक्तित्व मापन के सिद्धांतों के बारे में देखते हैं। इनके सिद्धांतों की एक शॉर्ट ट्रिक है कि आजकल क्या चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। तो वर्ल्ड कप को हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम आम व्यक्ति क्या करता है, आम व्यक्ति जागो, हमें मांगना है विकेट मन से और शरीर से। हमें क्या मांगना है, विकेट मांगना है कि वो क्या हो जाए, आउट हो जाए मन और शरीर से। तो आम व्यक्ति जागो, हमें मांगना है विकेट मन से और शरीर से। इसमें व्यक्तित्व के सभी सिद्धांत हैं, और देने वालों के इसमें मनोवैज्ञानिक हैं, उनके नाम भी हैं। तो पहला है आम, आम व्यक्ति, मैंने ऐसे तो कहा आम व्यक्ति जागो, हमें मांगना है विकेट मन से और शरीर से। तो आम से क्या हो गया, आत्मज्ञान का सिद्धांत। आस ये हो गया आत्मज्ञान का सिद्धांत, और दिया किसने, मास्लो ने। व्यक्ति इसमें क्या है, व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत है, इसलिए यहाँ पे लोप है व्यक्ति की। आम तो क्या हो गया, आत्मज्ञान का सिद्धांत दिया है मास्लो ने। व्यक्ति क्या हो गया इसमें, व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत। जागो, जागो में क्या है, जा क्या है, जीव सिद्धांत, जीव सिद्धांत दिया है गोल्डस्टीन ने। और मांगना है,
मांगना यानी मांग का सिद्धांत है यानी हेनरी मूरे ने दिया है। मांगना सिद्धांत, मांग सिद्धांत किसने दिया है? हेनरी मूरे ने। इम्पोर्टेंट है इसके, इन्होंने बहुत बारी चीज़ें बताई व्यक्तित्व के बारे में, तो इसको आपको याद रखना है कि मांगना है, मांग सिद्धांत दिया है हेनरी मूरे ने। विकेट, विकेट में क्या है? वी क्या है? विशेष, विशेषक सिद्धांत, और दिया है केटल ने। मन से, मन यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो, से यानी सिगमंड फ्राइड ने दिया है। और शरीर से, शरीर रचना सिद्धांत दिया है सेल्टन ने। तो यह आपको, सेल्डन ने, यह आपको याद रखना है कि क्या करना है आम व्यक्ति को, आम व्यक्ति जागो, हमें मांगना है विकेट मन से और शरीर से, इतना याद रखना है। ये सारे क्या हैं? पर्सनैलिटी के सिद्धांत हैं। आ से क्या हो गया? आत्मज्ञान का सिद्धांत दिया है मास्लो ने। व्यक्ति से व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत हैं। जागो से जीव, जीव सिद्धांत दिया है गोल्डस्टीन ने। हमें, हमें से हार्मिक सिद्धांत, हार्मिक सिद्धांत दिया है मैकडुगल ने। मांगना है, मांग सिद्धांत दिया है हेनरी मूरे ने। विकेट यानी विशेष, विशेषक सिद्धांत दिया है केटल ने। मन से मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए हैं सिगमंड फ्राइड ने। शरीर से यानी शरीर रचना सिद्धांत दिया है सेल्डन ने। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया किसने है? सिगमंड फ्राइड, फ्राइड ने। इस सिद्धांत में इन्होंने व्यक्तित्व के तीन अंग बताए हैं कि व्यक्तित्व के क्या होते हैं, तीन अंग होते हैं। पहला तो है इदम, अहम और परम अहम। इदम, अहम और परम अहम, ये कौन से व्यक्तित्व सिद्धांत में बताया गया है? ये सिगमंड फ्राइड ने बताए हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। इसमें तीन घटक, ये तीनों घटक अगर क्या है, सुसंगठित अपना कार्य कर रहे हैं, तब तो व्यक्ति क्या होता है, समायोजित होता है। अगर तीनों में से एक भी अच्छी तरह से सुसंगठित कार्य नहीं कर रहा है तो व्यक्ति क्या कहलाएगा, असमायोजित। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रायड ने व्यक्तित्व के तीन अंग बताए हैं, इदम, अहम और परम अहम। इदम, अहम और परम अहम, ये तीनों अगर सुसंगठित कार्य कर रहे हैं तो व्यक्ति क्या है, समायोजित है। अगर तीनों में से एक भी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है तो वह क्या हो गया, व्यक्ति असमायोजित हो गया। अब इद के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इद क्या होती है? जन्मजात प्रकृति होती है। इसमें व्यक्ति की वासनाएं और दमित क्या होती हैं, इच्छाएं होती हैं। इसमें व्यक्ति चाहता है तत्काल सुख प्राप्त करना चाहता है और संतुष्टि चाहता है। इसमें आपको इतना याद रखना है कि इद क्या होती है? जन्मजात प्रकृति होती है और ये पूर्णतः अचेतन मन में कार्य करता है और ये क्या है, वास्तविकता का प्रतीक है इद। अहम क्या होता है? ईगो, सामाजिक मान्यताओं परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है अहम, और ये क्या है, देवत्व का प्रतीक है। तो आपको प्रतीक याद रखना है कि अहम क्या है, देवत्व का प्रतीक होता है। परम अहम, सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो मानवता का प्रतीक है, वास्तविक जगत में ये रहते हैं। परम अहम जितने सुपर ईगो है वो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति मानवता का प्रतीक होते हैं, वास्तविक जगत से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इन सभी में अगर तीनों में समायोजन है तो तभी क्या होता है, ये परम अहम होता है। नेक्स्ट है शरीर रचना सिद्धांत। शरीर रचना सिद्धांत दिया है सेल्डन ने। इसमें यह बताया सेल्डन ने, शरीर के गठन और जो शरीर की रचना है उसको देख के सेल्डन ने तीन प्रकार के व्यक्तित्व की क्या है, परिभाषाएं बताई हैं। इन्होंने तीन प्रकार बताए हैं कि सेल्डन के अनुसार शरीर के गठन और शरीर की रचना से, पहला है गोलाकृति, दूसरा है आयताकृति और तीसरा है लंबाकृति। अब इन सेल्डन के अनुसार तीनों को हम देखते हैं कि गोलाकृति में कौन से होते हैं। गोलाकृति में वह व्यक्ति शामिल होते हैं जो भोजन प्रिय होते हैं, आराम पसंद होता है, शौकीन मिजाज हैं, परंपरावादी हैं, सहनशील होते हैं, सामाजिक होते हैं और हंसमुख होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, गोलाकृति व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं। आयताकृति व्यक्ति को सेल्डन ने इस प्रकार से विभाजित किया है कि जो आयताकार व्यक्ति हैं वो रोमांचित हैं, रोमांच प्रिय हैं, प्रभुत्ववादी होती हैं, होते हैं, जोशीले होते हैं, उद्देश्य होता है उनका कुछ न कुछ, वो केंद्रीकृत होते हैं, क्रोधी प्रकृति के भी होते हैं। ये आयताकार व्यक्ति के पहचान है, गोलाकार, आयताकार और लंबाकृत, ऐसे याद रखना, गोलाकृत, आयताकृति और लंबाकृति। गोलाकृत के हैं भोजन प्रिय, आराम पसंद है, शौकीन मिजाज हैं, परंपरावादी हैं, सहनशील हैं, सामाजिक हैं और हंसमुख हैं। आयताकृति में क्या है, रोमांच प्रिय हैं, प्रभुत्ववादी हैं, जोशीले हैं, उद्देश्य केंद्रित हैं उनका और क्रोधी प्रकृति के होते हैं। लंबाकृति के वे व्यक्ति होते हैं जो गुमसुम रहते हैं, एकांत प्रिय रहते हैं, अल्प निंद्रा वाले होते हैं, एकाकी जल्दी थक जाने वाले होते हैं और निष्ठुर प्रकृति के होते हैं। ये शेल्डन के अनुसार
तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अब नेक्स्ट आता है विशेषक सिद्धांत। विशेषक सिद्धांत दिया है केटल ने। केटल ने एक कारक विश्लेषण करके उसका नाम की सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग करके व्यक्तित्वों को जो व्यक्तित्व है उसको अभिव्यक्त करने वाले कुछ सामान्य गुण खोजे और उनको क्या दिया, व्यक्तित्व विशेषक। यानी कि सामान्य व्यक्तियों को उन्होंने एक कारक था, उस कारक के अनुसार ही उसने क्या व्यक्तित्व को विभक्त किया है, उसे क्या बताया, उस कारक को व्यक्तित्व विशेषक बताया। इसीलिए विशेषक सिद्धांत दिया है केटल ने कि उसने क्या किया, एक कारक विश्लेषण के नाम पे ही क्या किया, व्यक्तित्व को विभाजित किया है। धनात्मक चरित्र, संवेगात्मक स्थिरता और सामाजिक बुद्धि तीन भागों में डिवाइड किया। उसने ये देखा कि व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उसी के अनुसार एक कारक को ही लेके उसने क्या किया, व्यक्तित्व में विभाजन कर दिया। तो धनात्मक चरित्र, संवेगात्मक स्थिरता और सामाजिकता बुद्धि ये सभी क्या हैं, केटल के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। मांग सिद्धांत। मांग सिद्धांत में हेनरी ने क्या बताया कि व्यक्तित्व क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है, दाब और तनाव को कम करने, अगर व्यक्ति को बाहर से कोई दाब और तनाव महसूस होता है तो उसे क्या करता है, वो कम करने का प्रयास करता है। तो उसे क्या माना गया है, हेनरी ने, मांग का सिद्धांत। और हेनरी के अनुसार व्यक्तित्व मांग की 40 मांगें ज्ञात होती हैं, कि व्यक्तित्व की जो मांग है उसकी 40 मांगें ज्ञात हैं। आपको इतना याद रखना, 40 मांगें ज्ञात हैं हेनरी के अनुसार, और दबाव और तनाव कम करने का प्रयास करता है, यही मांग का सिद्धांत है। अब हम देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं व्यक्तित्व के प्रकार की किसने क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले कपिल मुनि। कपिल मुनि का स्वभाव पर आधारित वर्गीकरण। कपिल मुनि ने क्या किया, व्यक्तियों का स्वभाव देखा और उसके आधार पर क्या कर दिया, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो सत्व प्रधान व्यक्ति, सत्व प्रधान व्यक्ति, दूसरा राजस प्रधान व्यक्ति, और तीसरा क्या है, तमस प्रधान व्यक्ति। सत्व प्रधान व्यक्ति, राजस प्रधान व्यक्ति और तमस प्रधान व्यक्ति ये किसी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कपिल मुनि पहले के टाइम में थे, उस टाइम राजस तमस सत्व ये सभी चीज़ें चलती थी, उसी के अनुसार उन्होंने ये नाम दिए। तो आपको जनरली याद रखने के लिए मैंने बताया कि कपिल मुनि ने क्या बताया, स्वभाव पर आधारित वर्गीकरण किया है, सत्व प्रधान व्यक्ति, राजस प्रधान व्यक्ति और तमस प्रधान व्यक्ति। केचमर ने क्या किया है, शरीर की रचना को देखा और उसके आधार पर क्या कर दिया, वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का। सबसे पहले शक्तिहीन, दूसरा खिलाड़ी, तीसरा नाटा। शक्तिहीन, खिलाड़ी, नाटा, इनको अंग्रेजी में भी आ सकते हैं नाम। तो केचमर ने क्या बताया, शरीर रचना के आधार पर एस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक। एस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक, इनका हिंदी में नाम है शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा। जिस प्रकार से शरीर की रचना है उसी प्रकार से केचमर ने ये बताया है। थोर्नडाइक ने क्या बताया, थोर्नडाइक ने, हम थॉट करते हैं, थॉट यानी चिंतन, चिंतन से संबंधित है। तो थोर्नडाइक ने क्या किया है, चिंतन को ध्यान में रखकर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। पहला क्या है, सूक्ष्म विचारक, जो प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक। स्प्रेंगर ने क्या बताया, समाज संबंधी वर्गीकरण बताया। वैचारिक, आर्थिक और सौंदर्यात्मक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक। आपको याद रखना सबसे ज़्यादा, बाकी ने तीन तीन डिवाइडेशन किया है। और स्प्रेरंग ने क्या, स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो क्या हो जाती है, वो लंबी हो जाती है, उसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, समाज को संबंधित बनाया, तो उनका भी क्या हो गया, वर्गीकरण लंबा हो गया। तो छः पॉइंट है इसके। पहला है वैचारिक वर्गीकरण, वैचारिक व्यक्तित्व है, दूसरा आर्थिक, तीसरा सौंदर्यात्मक, चौथा राजनीतिक, पाँचवा धार्मिक और छठा क्या है, सामाजिक। जो समाज में होता है वो ये वैचारिक है, आर्थिक है, सौंदर्यात्मक है, राजनीतिक है, धार्मिक और सामाजिक है। जुंग के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि जुंग के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है, जुंग ने क्या किया है, मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किया है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, तो ये किसने बताया है, जुंग ने बताया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी के क्या लक्षण होते हैं, बहिर्मुखी के क्या लक्षण होते हैं और उभयमुखी के क्या लक्षण होते हैं, इन लक्षणों को हम देखते हैं जुंग के द्वारा। आपको याद रखना है कि जुंग ने क्या बताया है, मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया है व्यक्तित्व का, जुंग ने किया है। जुंग ने तीन वर्गीकरण बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी वाले व्यक्ति क्या होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, संकोची होते हैं,
बोलना कम पसंद करते हैं, मिलना भी कम पसंद करते हैं नए लोगों से, पढ़ने में अधिक रुचि रहती है उनकी, और कार्य क्षमता भी उनकी क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि बाकी बोलने में और मिलने में तो कम ही खर्च करते हैं, पढ़ने में अधिक रुचि रखते हैं, कार्य क्षमता भी इनकी अधिक होती है, आदर्शवादी होते हैं और संकोची होते हैं। ये अंतर्मुखी की विशेषता हैं। बहिर्मुखी की विशेषता क्या होती है, भौतिक भी होते हैं और सामाजिक कार्यों में ये भाग लेते हैं, मेल जोल बढ़ाने में ये ज़्यादा टाइम करते हैं अपना, विचार और भावनाएं इनकी स्पष्ट होती हैं, आत्मविश्वास इनका चरम पे होता है बहिर्मुखी वाले का। उभयमुखी, कुछ परिस्थितियों में अंतर्मुखी होते हैं, कुछ परिस्थितियों में क्या होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। तो आपको याद रखना है, जंग ने 3 वर्ग डिवाइडेशन किए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब आते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। वंशानुक्रम का प्रभाव, व्यक्तित्व को वंशानुक्रम का प्रभाव है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व व्यक्तित्व है स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं है, उसे अपने माता पिता से कुछ निश्चित शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और व्यवसायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो वंशानुक्रम का क्या होता है, व्यक्तित्व पे प्रभाव होता है। ये दो बातें बताई हैं स्किनर और हैरीमैन ने। सामाजिक वातावरण का प्रभाव होता है व्यक्तित्व पे, परिवार का जो वातावरण है वो भी प्रभावित करता है, सांस्कृतिक वातावरण प्रभावित करता है, विद्यालय का जो वातावरण है वो भी प्रभावित करता है, संवेगात्मक विकास किस प्रकार से हुआ है वो भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, मानसिक योग्यता किस प्रकार की है, रुचि का भी प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व विकास में, शारीरिक प्रभाव का भी प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पे। ये तो ये थे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, परिवार का जो वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है, जो सांस्कृतिक वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है, विद्यालय का प्रभाव पड़ता है, संवेगात्मक विकास इम्पोर्टेंट बात है, संवेगात्मक विकास का भी प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर, मानसिक योग्यता रुचि का भी प्रभाव रहता है और शारीरिक प्रभाव भी रहता है। ये आपका है व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।